ये सिचुएशन एक्सपीरियंस। चप्पल अंदर काफी हमारी राम गंगा ब्रिज को क्रॉस करते हुए मुरादाबाद जंक्शन से पहले काफी यात्री रह गए। देख रहे हो एक सीट पे कितने लोग बैठ रहे हैं। ये कंडीशन हमारी इंटरसिटी बरेली न्यू दिल्ली प्रोड्यूस कर रहा है। नमस्कार देवियों सपनों, कैसे हैं आप सब भाई, बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। फिलहाल मैं आपका स्वागत करता हूँ उत्तर प्रदेश के झुमको के शहर बरेली जंक्शन से। आज की हमारी जर्नी होने वाली है 10 नंबर बॉन्ड फोर 31 पर एक डेली रेंटेन झुमको के शहर उत्तर प्रदेश के बरेली और देश की राजधानी नई दिल्ली को पढ़ने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में आज हम घूम गए। इसीलिए सब की शुरुआत करते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म पे और पीछे आप देख सकते हैं गाजियाबाद सेट का W35 लोकोमोटिव जो आज हमारी 14315 बरेली न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को पूल करेगी। लगभग डिस्टेंस हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 90 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे 3 हॉल्ट के साथ। लगभग 1 घंटा 45 मिनट की जर्नी, पौने 2 घंटे को सफर को तय करेंगे हम लोग इस गाड़ी में उत्तर प्रदेश के झुमको के शहर बरेली जंक्शन से पीतल की नगरी मुरादाबाद जंक्शन के बीच। चलिए चलते हैं और देखते हैं ऑन टाइम डिपार्चर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो जी बिल्कुल ऑन टाइम सुबह के 4:55 पे हमारी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बरेली जंक्शन से डिपार्ट करते और भागते भागते जो है ना इंटरसिटी एक्सप्रेस को बोर्ड करना पड़ता। काफ़ी यात्री रह गए, देख रहे हो। ट्रेन हमारी पहुँच गई फर्स्ट पे पिटौरा रेलवे स्टेशन। ऑनलाइन के 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके हैं अपनी जर्नी का फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश के भिटौरा रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है BTO। टोटल 2 प्लेटफॉर्म है, 2 ट्रेनें पड़े हैं और कहते हैं यहाँ से नाई कोई ट्रेन और जीएट में उत्तर प्रदेश के नॉर्थल लेकर मुरादाबाद डिवीजन में था। बाकी हमारी ट्रेन का 1 मिनट कॉट है, चलिए यहाँ से देखते हैं लोग डिपार्ट। चलिए फाइनली 1 मिनट होल्ड के बाद हमारी ट्रेन भिटौरा रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर चुकी है। भाई बैठने दो लेडीज को। अरे भाई उठ के बैठ जाओ यार, बैठने दो। ये सिचुएशन है, देख लीजिए हमारे इंटरसिटी एक्सप्रेस का क्या कंडीशन हो रहा है। अभी हमारी ट्रेन बस 3:30 से निकली और देख लो एक सीट पे कितने 5-5, 6-6 लोग बजा और ऊपर लोग सो रही है, नहीं लोग खड़े हैं, इनको बैठने दे नहीं। उठ जाओ भाई उठ जाओ, देख रहे हो एक सीट पे कितने लोग बैठ रहे हैं। ये कंडीशन हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस बरेली न्यू दिल्ली। आप बैठ जाइए ऊपर चढ़ के दीदी। अरे भाई हो गया, चढ़ के बैठ जी, हो गया भाई, काहे लड़ रहे हो। चप्पल अंदर हो गया भाई, सेकेंड स्टॉप है नगरिया सदात रेलवे स्टेशन। भाई ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है सेकेंड स्टॉप और यहाँ पे भी क्रेज देख लीजिए चढ़ने वालों की हर गेट पर। ये हमारी इंटरसिटी का कंडीशन। ऑनलाइन के 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आज के अपनी जर्नी का सेकेंड स्टॉप उत्तर प्रदेश के नगरिया सदात रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है NRS। यहाँ पे टोटल 1 प्लेटफॉर्म है, 4 ट्रेनें पड़े हैं और कितनी यहाँ से नाई को ट्रेन और
उत्तर प्रदेश के नॉर्थल जब मुरादाबाद डिवीजन में आती है भाटिया मार्टिन का, एक मिनट होल्ड चले यहाँ पर देखते हो डिपार्चर। चलिए फाइनली एक मिनट होल्ड के बाद नगरिया सदात रेलवे स्टेशन भी मार्टिन का डिपार्चर हो चुका। चलिए ट्रेन हमारी पहुँच चुकी उत्तर प्रदेश। फॉर्म पे इंटर कर गए फिर भी मैम लड़के 63 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आप होगा। आज तो अपनी जर्नी का थर्ड स्टॉप उत्तर प्रदेश की चाको की फेमस जगह यानी रामपुर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है RNU। टोटल यहाँ 3 प्लेटों का 62 ट्रेनों पर डे आउट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन और जे ऑटो में उत्तर प्रदेश के नॉर्थन के मुरादाबाद डिवीजन में आती है हमारी ट्रेन का 2 मिनट होल्ड। चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। चलिए जी फाइनली 2 मिनट होल्ड के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी चाको की फेमस जगह उत्तर प्रदेश के रामपुर जंक्शन से। तो फिलहाल ट्रेन हमारी रामगंगा ब्रिज को क्रॉस करती हुई मुरादाबाद जंक्शन से पहले। चलिए दोस्तों अपनी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दोस्तों। इस ट्रेन का भाई एक सेल होता है सिरसा एक्सप्रेस के साथ और एक न्यू दिल्ली रोहतक इंटरसिटी के साथ, और ये जो है ना आईसीएफ कोचेस के साथ चलते हैं। इस ट्रेन में भाई 35 घंटे ऑन बोर्ड और एक ट्रेन की सुविधा अवेलेबल मिल जाएगी क्योंकि 5.5 घंटे का सफर को तय करती है बरेली से न्यू दिल्ली के बीच ये इंटरसिटी। इस ट्रेन का कोच कंपनी की मैं बात करूँ तो इस ट्रेन में 2 आपको AC चेयर कार्ज का कोच है और 9 आपको सेकेंड सीटिंग का कोच है और 5 जनरल कोच और 2 SLRD कोच और 1 लोकोमोटिव के साथ पूरी ट्रेन पूरी करती है। ट्रेन के बारे में बात करते हैं, इस ट्रेन का नंबर है 14315 जो कि चलते अपनी उत्तर प्रदेश के झुमको के शहर बरेली जंक्शन से अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली को ये कनेक्ट करती है हमारी इंटरसिटी। लगभग ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 255 किलोमीटर की दूरी तय करती है 5 घंटा 25 मिनट 5.5 घंटे का सफर तय करती है 14 हॉल्ट के साथ। इस बीच इस ट्रेन का एवरेज स्पीड आता है 47 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर स्पीड है 110। ये जो ट्रेन है ना मेल एक्सप्रेस कैटेगरी टाइप की ट्रेन है और इसका रेल जोन ऑपरेट होता है नॉर्थन रेलवे द्वारा। ये हफ्ते के 7 दिन चलती है। सुबह के उत्तर प्रदेश के झुमको के शहर बरेली जंक्शन के 4:55 और ठीक सुबह के 10:20 पर छोड़ लेते हैं अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मुरादाबाद जंक्शन पीतल की नगरी। पाँच मिनट बिफोर ट्रेन हमारी पहुँच चुकी मुरादाबाद जंक्शन। तो जी फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन जर्नी डिवोट करने के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी मुरादाबाद जंक्शन से। देखिए डिपार्चर बरेली न्यू दिल्ली इंटरसिटी का W5 लोकोमोटिव गाजियाबाद जेड का। और ये रही इस ट्रेन की 2 AC चेयर कार की कोच। सुबह की पहली किरण के साथ
तो फाइनली 10 आवर निकल चुकी है दोस्तों। बिल्कुल निर्धारित समय से 5 मिनट बिफोर हम आ चुके बरेली से पूरे 90 किलोमीटर की दूरी तय करके आ चुके पीतल की नगरी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जंक्शन और यहाँ पे हमारी ट्रेन का होने वाला 8 मिनट शॉर्ट। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो छोटी सी जर्नी थी, वैसे कोच कंपनी कोच की कंडीशन आपने देख लिया भाई। ये जो इंटरसिटी है हफ्ते के 7 दिन चलती है उत्तर प्रदेश के झुमको की शहर बरेली से अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली 5.5 घंटे के सफ़र तय कर दिया और काफ़ी ज़्यादा इस ट्रेन में भाई भीड़ होती है। तो बहुत जल्द जो है ना मैं इस ट्रेन को जो है ना नई दिल्ली से मुरादाबाद तक की जर्नी को आपको दिखाऊंगा। एक छोटी सी जर्नी थी आप सभी को बरेली से मुरादाबाद तक अपनी बरेली न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो है ना एक जर्नी आपको दिखानी चाहिए। तो चलिए कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्द इंस्टा फेसबुक को फॉलो कीजिए। जय जय भारत।